दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। आप अपने पावर पॉइंट में देख सकते हैं, जितने भी थंबनेल मैंने बनाए हैं सारे पावर पॉइंट में ही बनाए हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी सॉफ्टवेयर से बनाया गया होगा या फिर फोटोशॉप या फिर किसी तगड़े सॉफ्टवेयर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे थंबनेल मैंने पावर पॉइंट में बनाए हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको 100% पता चल जाएगा कि आप कैसे प्रोफेशनल थंबनेल पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, जरूर जाने YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप देख सके मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बात करते हैं दोस्तों एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने का। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पावर पॉइंट को। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपके पास MS ऑफिस जरूर होगा, उसमें पावर पॉइंट भी होगा। तो पावर पॉइंट को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको इसको इमेज को रिसाइज भी करना होता है। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें जो बनेगा वही आप डायरेक्ट थंबनेल में लगा देंगे, ऐसा नहीं है। YouTube का थंबनेल का एक साइज होता है, उसी साइज में आपको लगाना होगा, उसी साइज को मतलब क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही आप अपने चैनल पे इसे लगा पाएंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं मैं पावर पॉइंट में, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाके यहाँ पे कलर कर सकते हैं। कोई किसी भी कलर को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वो आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। और यहाँ से अगर जाएंगे इन पे क्लिक करेंगे तो और डिजाइन मिलेगा, लेकिन मैं कलर ही रहने देता हूँ। उसके बाद कोई भी इमेज डाउनलोड करके रखिए जिस चीज़ से रिलेटेड अगर आप थंबनेल बना रहे हैं। तो मैं जैसे मान लीजिए सबसे सस्ता स्मार्टफोन के बारे में थंबनेल बना रहा हूँ, तो देख सकते हैं मैं इंसर्ट पे कर देता हूँ क्लिक, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ और उस पिक्चर को मैंने स्मार्टफोन का जो एक पिक्चर है उसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे से देख सकते हैं एक स्मार्टफोन का पिक्चर है, हम इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं यानी इसे छोटा कर लेते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये स्मार्टफोन है, इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। और अब आपको बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे डिजाइन में नाम भी लिख पाएंगे। जैसे ये हो गया, अब आपको यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट है, यहाँ पे क्लिक करके किसी भी फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इस वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे सस्ता। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है। तो अगर आपको नहीं पता कि कंप्यूटर या लैपटॉप में हिंदी टाइपिंग कैसे करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख के सीख सकते हैं कि आप हिंदी कैसे टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। एक्चुअली बहुत काम आता है, अगर आप थंबनेल बनाएंगे तो हिंदी में लिखेंगे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे सस्ता। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसका साइज थोड़ा कर देते हैं बड़ा, देख सकते हैं ये इतना साइज सही है, या फिर और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ पे हम कर देते हैं 96, आप इससे भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जितना बड़ा साइज करना है उतना। हम इसे सेलेक्ट करके कोई कलर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसमें कर दिया पीला, या फिर जैसे मान लीजिए हमने इसमें कर दिया वाइट। और बैकग्राउंड में सेव फील कलर पे जाके यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको जो भी कलर रखना है उसे रख दीजिए। और उसके बाद इसे ऐसे कर दीजिए पूरा फुल में, और ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मैं इसी तरीके से अपने थंबनेल को क्रिएट करता हूँ। ये देख सकते हैं सबसे सस्ता स्मार्टफोन। अब उसके बाद सबसे सस्ता मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे हमें लिखना है स्मार्टफोन। आप चाहें तो इसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसी तरीके से अपने थंबनेल को बनाता हूँ जो कि सिंपल बहुत ही आसान पड़ता है। अब उसके बाद आपको एक और इमेज यहाँ पे इंसर्ट करना होगा जो कि और भी अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे ये बहुत सारा इमेज आप पहले से अपने PC लैपटॉप में सेव करके रखिए ताकि जब भी आप थंबनेल बनाए तो वहाँ पे काम आ सके। जैसे जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं मैं सबको सेव करके रखता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जैसे एरो का साइन, अगर इसे यहाँ पे लगाते हैं तो कुछ अलग ही मतलब अट्रैक्टिव हो जाता है। देख सकते हैं हम इसे कर देते हैं ऐसे। बहुत सारे यूट्यूबर को देखा होगा आपने यहाँ पे ये एरो का साइन लगा के उसे और भी अट्रैक्टिव कर देते हैं अपने थंबनेल को। ये देख सकते हैं अभी हो गया सबसे सस्ता स्मार्टफोन। अब बात करते हैं इसे सेव कैसे करेंगे क्योंकि इसे सेव हमें JPG फॉर्मेट में करना है और उसके बाद इसे रिसाइज भी करना है। तो हम कर देते हैं यहाँ पे जाते हैं फाइल पे और यहाँ पे कर देते हैं सेव एज पे क्लिक, और यहाँ पे कर देते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे क्लिक करके हम सर्च कर लेते हैं JPG फाइल फॉर्मेट, देख सकते हैं .jpg।
और उसके बाद हम इसका नाम रख देते हैं जैसे, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेव, और यहाँ पे कर देते हैं करंट स्लाइड ओनली, क्योंकि एक ही स्लाइड हमने क्रिएट किया है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी इसका साइज परफेक्ट नहीं है अपलोड करने के लिए, तो इसे हमें रिसाइज करना होगा। यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ हम कर देते हैं पेंट का। मैं कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं यूज करता, जो पीसी के साथ आया उसी में से सभी को यूज कर लेता हूँ, पेंट को कर लेता हूँ इमेज को रिसाइज करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइज, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पिक्सल पे कर देते हैं, और यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा के यहाँ पे हम कर देते हैं 640, और यहाँ पे कर देते हैं 360, जो कि परफेक्ट है आपके YouTube चैनल के लिए। YouTube पे अगर वीडियो डालते हैं तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है थंबनेल, यही साइज होना चाहिए। और उसके बाद अगर और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ रेक्टेंगल पे, और यहाँ पे कोई कलर कर लेता हूँ येलो, और उसके बाद हम बैकग्राउंड में यानी चारों तरफ इसके ये बॉर्डर भी लगा देते हैं, तो और भी अट्रैक्टिव दिखता है। अब ये सारा काम करने के बाद हम कर देते हैं कंट्रोल एस, और उसके बाद यहाँ से काट के अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा एक प्रोफेशनल थंबनेल बन चुका है बिल्कुल पावर पॉइंट में, बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।